पलामू जिला के नीलांबर पीतांबरपुर पे थाना प्रभारी गौतम कुमार राय के आदेश अनुसार प्रकाश होरो अपने दलबल के साथ अभियान चलाया जहां कई वर्षों के बाद पड़ा हुआ लाल वारंट अभिमन्यु गिरी उर्फ मनोज स्वामी पिता वैजनाथ गिरी उम्र लगभग 47 वर्ष ग्राम साहत के रहने वाले हैं, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दूसरा वही टुन्नू राम पिता स्वर्गीय सरदार राम उम्र लगभग 52 वर्ष ग्राम परशुराम खाप जो अवैध महुआ शराब बनाकर बेचने का आरोप में वारंट था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसआई प्रकाश होरो ने बताया कि अभिमन्यु गिरी को रेलवे का 2003 का कोई मामला दर्ज था, लाल वारंट था, जिसे 18 साल के बाद आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो वहीं टुन्नू राम जो अवैध महुआ शराब बनाना एवं बेचने का मामले में वारंट था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सर आज बताएंगे, एक कैदी जेल गया है, क्या है मामला? यही है कि माननीय न्यायालय से जो है अभिमन्यु गिरी और ये हैं पिता बैजनाथ गिरी, ग्राम साहद के हैं, ये जो है काफ़ी दिनों से फिरहार चल रहे थे, इनके विरुद्ध अस्थाई वारंट था, तो माननीय न्यायालय का अस्थाई वारंट था, तो इसीलिए उसको आज गिरफ्तार कर अग्रसारण कर माननीय न्यायालय में भेज दिया गया। अच्छा, और फिर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा जा रहा है। और सर आरोप मतलब कुछ पता चला है, क्या आरोप था? माननीय न्यायालय से इनके जो कि है रेलवे से कुछ संबंधित था और उसी का वारंट निकला हुआ था, अभी तक बेल नहीं कराए थे, तो इसीलिए इसको गिरफ्तार कर लिया गया। बताएंगे तो एक और आरोपी है, क्या है उसका? ये जो है अवैध देसी शराब बनाते थे, इनको पहले भी हिदायत किया गया था, लेकिन ये फिर भी अपना जो धंधा है वो करते आ रहे थे, और इनके विरुद्ध जो है कि माननीय न्यायालय से वारंट निर्गत था। ये अभियुक्त है टुनटुन राम, पिता है स्वर्गीय सरदार राम, ये आपका परशुराम खाप के हैं, तो इनको भी कल शाम में गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। R9 भारत के लिए प्रेम कुमार की रिपोर्ट, थाना पलामू से।